बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 8 के लिए ये वीडियो है साइंस फर्स्ट टर्म एग्जाम 2024। 8 क्लास साइंस फर्स्ट टर्म एग्जाम का जो गेस्ट पेपर है 2024 वो आपके सामने मौजूद है। इस वीडियो के अंदर हम वर्जन नंबर 1 और वर्जन नंबर 2 को कंप्लीट देखेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वर्जन नंबर 3 और वर्जन नंबर 4 का लिंक आपको मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई दोस्त इस चैनल को पढ़ने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि मजीद नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला जी, मखसूस सेल्स इश्यूज या आर्गन जो स्टिमुलाई को महसूस करते हैं रिसेप्टर्स कहलाते हैं। मुतजज़ाइर में से कौन सा अमर रिफ्लेक्स एक्शन को जाहिर करता है? खाना। ये हमारे पास उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर आपको दो वर्जन मिलेंगे। एमसीक्यूज के आंसर में आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। एमसीक्यूज के आंसर के अंदर अगर कोई गलती आपको नजर आती है तो आप लोगों ने बुक को फॉलो करना है। थर्ड टाइम मुतजज़ाइर में से कौन सा फाल गैर अरादी है? पीना। दी गई तस्वीर की दुरुस्त से लेबनी की शनाख्त करें, क्रोमाइट और सेंट्रोमाइट। वालदैन से औलाद में खसूसियात की मुंतकली को जीन कहते हैं। अगर जीन ज्यादा मकदार में बुरे रंग का मादा पैदा करे तो आंखों का रंग बुरा होगा। वो टेक्नोलॉजी जिसमें बनेनू इंसान के मफाद के लिए मुख्तलिफ तरीकों से जानदार का इस्तेमाल किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। बच्चों में इब्तदाई अंतपन को कम करने के लिए मॉडिफाइड गोल्डन चावल पैदा किया जाता है जिसमें कसरत विटामिन ए की। जंगलात की कटाई सबब बनते हैं मिट्टी के कटाव का। कीमी तामल में हिस्सा लेने वाले मादे को कहते हैं रिएक्टेंस। इस संशय देखते हैं नर्व सिस्टम की आपने तारीफ करनी है। रिसेप्टर की एक मसाल और फैक्टर की दो मसालें देनी है। नमा के कोई से पानी 500 के अपने फाल लिखने हैं। ये सवाल नंबर 11 था। सवाल नंबर 12 है, डीएनए को विरासत मादा क्यों कहा जाता है? जिंदगी बचाने वाली कोई 4 बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल लिखे, मियोसिस और माइटोसिस में 2 फर्क लिखे। सवाल नंबर 13 है, कीमे रिएक्शन की तारीफ करें और साथ में कीमे मसावात का मतवाजन करने के कोई से 500 लिखे और उसके बाद आपके पास ये रिएक्शन दिए हुए हैं 3, आप लोगों ने इसको मतवाजन करना है। इंग्लिश मीडियम के अंदर पहला जी, स्पेशल सेल टिश्यू और ऑर्गन्स विच डिटेक्ट स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शो आर रिफ्लेक्स एक्शन? ईटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवॉलंटरी एक्शन? ड्रिंकिंग। चूज द करेक्ट लेबलिंग ऑफ द गिवन पिक्चर, क्रोमाटाइट्स एंड सेंट्रोमियर। The transmission of the characteristics from parents to offspring is called heredity. If genes produce more about brown pigment, then what will be the color of the eye brown? The technology in which living things are used in different way to benefit human beings is biotechnology. To reduce early blindness in children, genetically modification golden rice is produced, which is rice is vitamin A. Deforestation ke soil erosion substance that पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन नर्व, राइट 1 एग्जांपल ऑफ रिसेप्टर्स एंड 2 एग्जांपल ऑफ इफेक्टर्स, राइट द फंक्शन ऑफ एनी 5 पार्ट ऑफ द ब्रेन। सवाल नंबर 12 है, व्हाई डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल, राइट यूज ऑफ एनी 4 लाइफ सेविंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, गिव 2 डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। सवाल नंबर 13 है, डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन एंड गिव 2 एग्जांपल, राइट एनी 5 रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। और नेक्स्ट आपने बैलेंस करने इक्वेशन को 3 इक्वेशन आपके सामने दी हुई है। नेक्स्ट नंबर जी नंबर 2 को देखते हैं, उर्दू मीडियम के अंदर है। फाइल के लिहाज से न्यूरॉन्स की दुरुस्त तरतीब है सेंसरी मोटर इंटर। जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हम अपना हाथ वापस खींच लेते हैं, दिखाई गई रिफ्लेक्स ऑर्गन का कौन सा हिस्सा रद्द अमल को कंट्रोल करता है? ऑप्शन नंबर है डी। मुतजज़ाइर में से माइटोसिस के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? क्रोमोसोम की तादाद एक जैसी रहती है, क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं न्यूक्लियस। जिस हमारी आंखों में बुरे रंग के मादे को कंट्रोल करते हैं, इस मादे की ज्यादा और कम मकदार दर्जाल में से आंखों के बेतरतीब कौन से रंग का बायस बनती है? काला और नीला। इंसानों को फायदा पहुंचाने के लिए जानदार चीजों को इस्तेमाल को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक है जीन थेरेपी। फॉसिल फ्यूल्स को महफूज करना जरूरी है क्योंकि धीरे बनते हैं। मुतजज़ाइर में से कौन सा कीमी अमल? लकड़ी का जलना। नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम के अंदर, द करेक्ट आर्गुमेंट्स ऑफ द न्यूरॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन सेंसरी मोटर इंटर। व्हेन वी टच समथिंग होल्ड वी पुल बैक आवर हैंड, दिस रिस्पॉन्स इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द शोन फ्लेक्ट आर? ऑप्शन नंबर बी एक्स इसका है आंसर। जो द फॉलोइंग इज एन इनवॉलंटरी एक्शन, इसका ऑप्शन नंबर बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट माइटोसिस, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम, क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, द जीन्स कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन आइज, इसका ऑप्शन नंबर ए है ब्लैक एंड ब्लू।
द यूज ऑफ लिविंग थिंग्स फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। द बायोटेक्नोलॉजी यूज फॉर क्योर कैंसर पेशेंट इज जेन थेरापी। द कन्वर्जेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स आर स्लो टू बर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल रिएक्शन बर्निंग ऑफ वुड। नेक्स्ट मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। नेम द थ्री पार्ट्स ऑफ द मिड ब्रेन। नेम द राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। राइट एनी टू यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोड्यूस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय जीन इंसर्टेशन इन बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफाइन द एडिशनल रिएक्शन एंड गिव वन एग्जांपल। बैलेंस इक्वेशन और नेम द एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। और तो मीडियम के हमारे पास सवाल नंबर 11 है, हाइपोथैलेमस का क्या काम है। हाइंड ब्रेन के दरमियानी तीन हिस्सों के नाम लिखे। न्यूरॉन के मुख्य हिस्सों के नाम लिखे। सवाल नंबर 12 है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। सेहत के शोबे में बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के कोई से दो इस्तेमाल लिखे। बैक्टीरिया में जीन के दाखिले से प्रोटीन के बनने के मुख्तलिफ मराहल बयान करें। सवाल नंबर 13 है, एडिशन रिएक्शन की तारीफ करें और एक मिसाल दें। मुतजल कीमे मसावात को अपने मतवाजन करना है और केमिकल रिएक्शन के इतलाक के आपने नाम लिखने हैं। ये थे मेरे पास 8 क्लास साइंस का वर्जन नंबर 1 एंड वर्जन नंबर 2। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय अल्लाह हाफिज़।